यस डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। एक बार फिर से वैस एकेडमी चैनल्स में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर जो एक सैम्पल स्पेस कंसेप्ट है, सैम्पल स्पेस कंसेप्ट को जब आप समझ लेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए मित्रों, आज समझते हैं कि सैम्पल स्पेस है क्या। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इसमें एक फार्मूलाज भी लग जाते हैं और उस फार्मूला को लगने के बाद आपको किसी भी तरह की सैम्पल स्पेस को ड्रॉ करने में बहुत आसानी होती है। चलिए शुरू करते हैं। सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं? सैम्पल स्पेस ऑल सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ईच कॉल्ड सैम्पल स्पेस। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऑल सेट, सो व्हाट इज द सेट, जो कि आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हो। आउटकम्स आपको पता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट जो ऑल ऑफ ए सडन किया जाता है। अब मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू से अगर आपको समझाऊं, तो पहले आपको पता है कि कॉइन टॉस करने पर हम लोगों के पास आइदर हेड आता है और आइदर टेल आता है। ये आपको मित्रों बहुत अच्छी तरह से पहले से पता है। अब सवाल होता है, उठता है कि आज हम लोग जिस चीज़ को समझने के लिए आए हैं वो है कि अगर दो कॉइन टॉस कर देते हैं तो दो कॉइन टॉस करने के बाद हमारे पास इस तरह से सैंपल स्पेस ड्रॉ हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हमने दो कॉइन को टॉस किया तो आपको आइदर दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, उसमें पहले वाले में टेल आ सकता है, दूसरे वाले में हेड आ सकता है। क्लियर हो रहा है? आई थिंक दोनों में टेल आ सकता है, राइट? तो इस तरह से कितने निकले? एक, दो, तीन, चार, ये रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। ये जो रिजल्ट हैं, इन रिजल्ट को ही यहाँ पर आउटकम्स बोले गए हैं। क्लियर हो रहा है? अब ये दो कॉइन टॉस किए तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। तो इन चार आउटकम्स को अगर मैं मिटा दूं तो आपका आंसर हो गया चार। अब सपोज करिए कि आपको तीन कॉइन टॉस करने को कहा जाता है तो आउटकम्स कितने होंगे? अब जब आउटकम्स की बारी आई तो हमें फिर से देखना पड़ेगा। सिर्फ पहले की तीन चीज़ें लिखी हैं जिसमें तीनों हेड हो सकते हैं, दोनों में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, एक में हेड, बीच वाले में टेल, इसमें हेड आ सकता है। कहने का मतलब है कि आप तीन कॉइन टॉस कर रहे हैं, राइट? तो तीनों कॉइन के अपने अपने रिजल्ट हो सकते हैं। अब इस तरह से जब इन सारे रिजल्टों को रखा गया, आप रख के देख लेंगे, तीन कॉइन को टॉस करने के बाद जो हमारे सारे रिजल्ट आए उसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को अगर मैं बिठाता हूँ तो वो होते हैं एट। अब आप एक चीज़ देखिए, दो कॉइन हमने टॉस किए तो हमारा आंसर आया था चार, आउटकम चार थे। तीन कॉइन टॉस किया तो हमारा आउटकम आया एट। अब मैं यहाँ से आपको एक फार्मूला देता हूँ, ये फार्मूला आप अपने पास रख लें, आपको कभी भी किसी भी ड्रॉ चीज़ की सैम्पल स्पेस ड्रॉ करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। फार्मूला है हमारा, तो हमने क्या देखा, मैं आपको फार्मूलाज़ के बारे में बता रहा था। वेरी सिंपल फार्मूला है। आपने यहाँ पे देखा कि दो कॉइन टॉस करते हैं तो हमारा टोटल सैम्पल स्पेस चार है, यानी रिजल्ट चार होते हैं। इसको इस फार्मूला में फिट करते हैं, आउटकम्स इनटू नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। आउटकम कितना रहेगा? दो। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू, इक्वल टू कितना आएगा? फोर। बहुत अच्छी तरह से आपको पता है। तीन कॉइन जब मैं टॉस करता हूँ तब इसी फॉर्मूले पे आप डालिए, तो एक तीन कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करने की आउटपुट कितनी हुई? टू। तो आपने यहाँ पे लिखा टू। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हुए? थ्री। टोटल कितने हो गए? एट। सिमिलरली अगर आपको एग्जाम में ये पूछे जाए कि एक कॉइन को चार बार टॉस किया, चार डिफरेंट कॉइन, एक कॉइन को चार बार नहीं करा, चार डिफरेंट कॉइन है और चार डिफरेंट कॉइन को चार बार अगर हमने टॉस कर दिया, सो व्हाट विल बी द आउटकम्स? तो आउटकम्स आपके एक हो गए, टू टू द पावर फोर इज इक्वल टू 16। प्रोबेबिलिटी में आपको
कुल चार तरह के अच्छे एग्जांपल्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। आइदर टॉसिंग ऑफ कॉइन हो सकता है, आइदर कार्ड ड्रॉ हो सकते हैं, आइदर डाइस हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे नंबर्स जो कंटिन्यूटी में चलते हैं, जैसे कि किसी बॉक्स में एक से लेकर के 30 तक के नंबर्स के कार्ड रखे हुए हैं। तो इस केस में आपके टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए? सैंपल स्पेस टोटल 30 हो गए। अगर कोई कहता है कि उसमें से एक नंबर कोई ड्रॉ करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी उस सिंगल नंबर की होगी, क्योंकि एक नंबर एक ही बार आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम लोग अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं वहाँ तक। जो चार सिंपल एग्जाम्पल्स हैं वो हैं कॉइन ऑफ टॉसिंग, डायस, कार्ड, या फिर किसी बैग्स में डेफिनेट नंबर्स के बॉल रखे हुए हैं। आगे आपको मैं प्रॉब्लम्स जब सॉल्व कराऊंगा, आप इस वीडियोस को देखते रहें, हमारे नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहें, तो आपको मैं कई सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब मैं आता हूं कि आपको डाइस थ्रो करना है, तो देखते हैं कि सैंपल स्पेस कैसे बनता है। अब एक डायस में सिक्स आउटकम आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। इसी को फॉर्मूला बेस्ड कर देते हैं अगर, तो आउटकम कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे अगर 1 हो गए तो कितने आ गए? 6 × 2⁻⁶। अगर डाइस को दो बार थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 36। सिमिलरली उसी फॉर्मूला पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसे हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक चीज का जो आउटकम होता है, उस आउटकम से कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो होल टू दी पावर में जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल सैंपल स्पेस ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज आप सैंपल स्पेस की प्रैक्टिस करें। अगली वीडियोज़ में मैं आपके साथ प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।